यार दोस्तों, ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी मद्रास रेसिपी से दोस्तों, 18 अगस्त वेडनेसडे 2021। कमिंग अप टिप्स आज इंडिया की मद्रास की टिप्स है दोस्तों, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल रेसिपीज यॉर्क, क्लेयर फाउंटेन और विंसी की, जो नेक्स्ट वीडियो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 100% टिप्स और रेगुलर टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड देखना है तो हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारी वीडियो चेक कर सकते हैं, हमारी टिप्स 100% पास होती है। आने वाली टिप्स में दोस्तों, अभी इंडिया की मद्रास की टिप्स है और नेक्स्ट वीडियो इंटरनेशनल रेस टिप्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है 100% लोगों की डिमांड पे कि सर आप कुछ अलग हट के और अच्छे भाव के घोड़े भी अगर आपके माइंड में चल रहे हैं तो वो दे दीजिए, ताकि हम खेलें या नहीं खेलें वो हमारी मर्जी है, पर मैंने कोशिश की है कि मेरी स्टडी में जो निकल के आया है उन्हें देने की, तो आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे खेलें या ना खेलें। नमस्कार दोस्तों, हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने स्थान पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो मैंने अपलोड की है, कि हम रेस तो खेलते हैं पर क्यों लॉस होता है, तो उम्मीद करता हूँ आप जान चुके होंगे कि पैसे को कैसे रोटेट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। कल और मेरी जो आज की इंटरनेशनल टिप्स दी थी मैंने, वो भी 100% पास हो गई है। आप जा कर के मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, 100% टिप्स विन विन में पास हो गई दोस्तों। अब काफ़ी स्टडी के बाद रेस टिप्स पे आते हैं दोस्तों। बट आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों कि कल मद्रास रेस है, ओपनिंग डे है, पहला दिन है और बहुत दिनों बाद घोड़े दौड़ रहे हैं, तो एक दो रन हो जाने दो, तो रेस का आनंद लीजिए। जहाँ पसंद आए वही खेलिए, सिलेक्टेड रेसेस खेलिए और कोशिश करिए प्लेस खेलिए। एक दो रेस अगर पकड़ में आ जाए तो अच्छे भाव की, तो प्लेस खेल के रेस का आनंद लीजिए और प्लस में रहिए, प्रॉफिट में जाइए, क्योंकि रेस कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी और कल फिर चलनी है। तो आज फर्स्ट डे है, देखिए घोड़ों का हाव भाव, देखिए सब कुछ देखिए, क्योंकि ये ट्रैक भी ऐसे ही है यहाँ का, जो घोड़ा आगे निकलता है वही जीत जाता है, तो यहाँ सारी कैलकुलेशन फेल हो सकती है। तो आते हैं रेस टिप्स पे दोस्तों। प्ले सेफ, पहली रेस 2:30 पे 1000 मीटर की है दोस्तों। इस रेस में मुझे जो पसंद है दोस्तों, वो है नंबर 4 पिंक पर्ल विन के लिए और नंबर 6 डायमंडो प्लेस के लिए। अब आते हैं रेस नंबर 2, 1000 मीटर की 3 बजे, और ये 4th क्लास की रेस है दोस्तों। ये दो रेस बहुत ही टिपिकल है, क्योंकि ये 1000 मीटर की है दोस्तों, इसको स्किप करना ही बेटर है, लेकिन अगर आप खेलना चाहते हो तो मैंने टिप्स दे दिए। अब रेस नंबर 2 में आते हैं दोस्तों, 1000 मीटर की 3 बजे। इसमें जो मेरी चॉइस बन के आ रही है दोस्तों, वो है नंबर 8 रॉयल पल विन के लिए और नंबर 2 प्लेस के लिए। बट दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ, नंबर 2 और नंबर 3 दोनों सेम बंच के घोड़े हैं, दोनों एक साथ ही दौड़े हैं, जबकि नंबर 3 जो है वो 3rd हो रहा है और नंबर 2 जो है वो 4th हो रहा है। तो यहाँ नंबर 3 और 2 में आप 3 पे ही बेटर है प्लेस पे जाए तो। ओके दोस्तों, अब आते हैं रेस नंबर 3 पे।
1200 मीटर 3:30 पे। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि कौन सी बात कहाँ पर मिस हो जाए आपको मालूम भी नहीं होगा। इसमें जो मुझे पसंद आया दोस्तों, वो है नंबर 6 विन के लिए। नेक्स्ट और नंबर 2 रेस फॉर द स्टार्स प्लेस के लिए। ओके दोस्तों, अब आते हैं रेस नंबर 4 पे। दोस्तों रेस नंबर 4 चौथी रेस 4 बजे 1000 मीटर की है। दोस्तों इसमें मुझे जो पसंद है दोस्तों, वह है नंबर 1 विन के लिए मास्टरपीस। और नंबर 6 ग्लोरियस सिंफनी प्लेस के लिए। अब आते हैं रेस नंबर 5 पे दोस्तों। 1200 मीटर 4:30 पे क्लास 1 की रेस है दोस्तों। इसमें जो मुझे पसंद है दोस्तों, वो है नंबर 8 रॉयल करेंसी विन के लिए। और नंबर 4 मिचिल लिखा जी प्लेस के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि मेन टिप्स आपको लास्ट के 2 मिनट में मिलेगी। अब आते हैं रेस नंबर 6 1200 मीटर 5 बजे की रेस है दोस्तों। डिवीजन 1 की रेस है ये। इसमें जो मुझे अच्छा लगा, जो पसंद आ रहा है दोस्तों, वह नंबर 6 विन के लिए एमिल्डा। और नंबर 8 पैंसी प्लेस के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं लास्ट रेस ऑफ द डे 7th रेस 1200 मीटर 5:30 बजे। इसमें जो मुझे पसंद आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ी टफ रेस है दोस्तों, नंबर 2 रिपेलिंग वाटर्स विन के लिए। और नंबर 1 सलीम प्लेस के लिए। ये तो थी मेरी टिप्स दोस्तों। अब दोस्तों कुछ लोगों का कहना होता है कि सर आप सिंगल सिंगल चॉइस बता दीजिए, ताकि सिंगल चॉइस जो कि बोर्ड आउट नहीं होगी और जो टिप्स जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ, उस टिप्स का आज मैं आपको डेमो दे देता हूँ दोस्तों, जो मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप में देने जा रहा हूँ, क्योंकि कल कुछ खास दिन है और हमारे सारे दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप वालों को मैंने कहा था कि कल कुछ सरप्राइज डे है, तो आप सभी को मेरी तरफ से कुछ सरप्राइजिंग टिप्स दूंगा मैं, लेकिन बहुत सोच समझ के खेलेगा और बहुत कम पैसे खेलेगा, डिपेंड करता है लक के ऊपर, क्योंकि काफ़ी स्टडी के बाद वो घोड़े निकल के आए हैं। अगर वो घोड़े आ जाते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, इसीलिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क लीजिए, क्योंकि मैं श्योर तो नहीं बोल सकता,
बट मेरी स्टडी में निकल के जो आए हैं, जो मुझे पसंद है और जो मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा, वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कल कुछ खास दिन है, सरप्राइज डे है, तो सभी के लिए फ्री है। तो आते हैं उस टिप्स के ऊपर। बट ये दोस्तों रिस्क की गेम है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो खेलना, नहीं तो मत खेलना। सिर्फ कल नज़र रखना, देखना, फिर परसों की रेस में खेलना। कल सिर्फ देखना। रेस नंबर वन में दोस्तों, जो मैं ग्रुप में सरप्राइज टिप्स देने चाहता हूँ, वो है हॉर्स नंबर टू लेडी जिन फॉर प्लेस। रेस नंबर सेकंड में आते हैं दोस्तों। हॉर्स नंबर फोर स्काईलाइट फॉर प्लेस। रेस नंबर थ्री में आते हैं दोस्तों। हॉर्स नंबर सेवन कॉर्नोसाइट फॉर प्लेस। रेस नंबर फोर में आते हैं दोस्तों। हॉर्स नंबर टेन सब्जुकेट फॉर प्लेस। रेस नंबर फाइव में आते हैं दोस्तों। हॉर्स नंबर फाइव किंग टीचला फॉर प्लेस। रेस नंबर सिक्स हॉर्स नंबर वन ग्लोरियस ट्रस्ट फॉर प्लेस। एंड द लास्ट रेस हॉर्स नंबर वन सलेम फॉर प्लेस। दोस्तों ये सिंगल सिंगल चॉइस है, भाव बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि मैं टिप्स थोड़ी हट के देता हूँ और बहुत स्टडी के बाद देता हूँ। रिस्की है, क्योंकि रिस्क हर जगह है। अगर आपको जीतना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अगर हारना है तो भी रिस्क लेना है। हार और जीत तो लगी रहेगी, बट थोड़े इन्वेस्टमेंट से अगर कोशिश करना चाहो तो करिए, अदरवाइज कल देखिए। बट हिम्मत है तो जुटाइए, क्योंकि ये रेसिंग है दोस्तों, यहाँ तो रोज़ पैसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे, पर थोड़े पैसे से रिस्क लेके देखिए। बट मैं नहीं कह रहा, श्योर नहीं कह रहा आपको, मेरी पसंद मेरी चॉइस, जो मेरी स्टडी में निकल के आ रहा है, जिससे आपका फ़ायदा हो जाए। ओके, उम्मीद करता हूँ कल का दिन बहुत अच्छा होगा। थैंक यू दोस्तों।